अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरिम लोजो। मेरे सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कैसे हो सब लोग? ठीक हो? रोज़ा कैसा चल रहा है? मेरा बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी ही सो के उठा हूँ। आज कोई काम था नहीं, मॉर्निंग में भी कोई टास्क था नहीं, तो इस वजह से। अच्छा, पहली बात तो ये कि यार एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि शायद ईद पर ब्लॉग या वीडियो या रील ना मैंने, तो एडवांस में ईद मुबारक। तो दूसरी बात ये है कि मैं इंस्टाग्राम को फॉलो कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर अच्छा अच्छा कॉन्टेंट में डाल लूँ फूड से रिलेटेड, और हर चीज़ मतलब फुल टाइम एक्टिव चल रहा है। तीसरी बात ये है कि ब्लॉग एक इस चीज़ पर है यार, ऐसे ही बस रैंडमली ब्लॉग बनाने का मूड हो गया, क्योंकि ऐसा पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहीं से। तो यार अभी जो है मैं जा रहा हूँ कोरियर पे, और करीब में तो लियोपॉल्ड है, तो वहाँ पे जो है जाकर, और ये एयरपोर्ट जो है मंगवाए थे मैंने कैलिफोर्निया से, तो इसको वापस भेजने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सही नहीं आया। मजाक कर रहा हूँ, इसको मैंने कराची से मंगवाए थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये सही नहीं आया। ये एक स्टोर है, बड़ा अच्छा चलता है टैकन के नाम से, लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ, नसीब था ऐसा या फुल पैक्ड प्रोडक्ट थी। कल तो मैं इसका रिव्यू बना रहा था यूट्यूब पे डालने के लिए, आप लोगों को दिखा था, लेकिन बहरहाल बस ये सही नहीं है, तो उसको रिप्लेस करवा रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली ईद पर नहीं आऊँगे, मेरे साथ ईद के बाद ही होंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि ये क्लोन है और एग्जैक्टली सेम एज इट इज़, हर चीज़ एक्यूरेट जो है ना फीचर, उन्हीं फर्स्ट कॉपी मतलब जो मास्टर कॉपी होती है वो वाला चाहता उसमें ना। और ये मैंने तकरीबन 4,000 रुपये के मैंने मंगवाए थे सेल में, कार्बन कॉपी के नाम से होते हैं, एयरपोर्ट्स टू कार्बन कॉपी। तो अभी चलते हैं, कोरियर के चार्जेस मुझे पे करने हैं। ये सीन है यार, ऑनलाइन प्रोडक्ट का ये होता है, बंदा यार रिव्यूज़ देख के मंगवा भी लेता है, रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ अच्छी नहीं मिली। देखो ना यार, ऑनलाइन में आप देख नहीं सकते हो चीज़, अब दुकान पे जो शॉप से मैं लेता था एट अ टाइम में खोल के देख सकता था, लेकिन बस अब कराची जाएगा, पता नहीं कब वापस आएगा, क्या है बोल रहे हैं इसके बाद आएगा। चार्जेस क्या होंगे इसके? 470। ठीक, और कल तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो यार बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन शॉपिंग जब करो तो रिव्यू तो अपनी जगह होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिव्यू देख रहे होते हैं, लेकिन ऑफलाइन स्टोर से बाहर बाय कर लो, मार्केट से बाय कर लो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सीन है, अभी देखो मुझे वापस करवाना पड़ा, तो अभी बाकी कोरियर कर दिया DCS के थ्रू, जाते हैं दूसरे काम करते हैं, ठीक है। आज माशाल्लाह से मौसम भी चेक करो, इतना क्लास का हो रहा है, मेरे को मुश्किल लग रहा है कि 29 पे रो रहे हो, यानी कि जो कल है वो चांद रात मुश्किल ही हो। देख रहे हो मतलब फुल टाइम बादल बादल, माशाल्लाह दोपहर में गर्मी भी कम हो रही है। तो फाइनली यार अभी भी घर पे आ चुका हूँ, ये तकरीबन कोई 1.5 घंटे बाद मैं घर पे आया हूँ, सारा सामान ले लिया, जो ये चीज़ आप देख रहे थे ये फेस वॉश वगैरह दे रहा था, तो ये मतलब आज के दिन ही टाइम मिला है, छुट्टी थी आज तो इस पहले, तो ये सारा सामान लेना था ईद की वैसे भी। हेलो यार ये क्या देख रही है, मैं दिखाऊँ आपको? दिखा दो मैं, आए थे लेटी अभी और मैं भी घर पर आई हूँ, रोज़ा लग रहा है, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद मगरिब के बाद शूट है इकबाल होटल का, गोल्ड बिल्डिंग पे जो है इकबाल होटल, हैदराबाद वाली आम जानती होगी और कराची वाली और आउटसाइड शायद ना जानते हो, तो मुझे शूट हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कर रहा हूँ, क्या सीन है, और आज छुट्टी भी है तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, चलते हैं इफ्तार के बाद। जैसा मैंने आपको बताया था कि मगरिब के बाद छुट पे आना, तो मैं छुट पे जा रहा हूँ, बैग पहन लिया, गाड़ी रेडी है और बस निकल रहा हूँ गोल्ड बिल्डिंग पे। सीन ये है कि फाइनली इकबाल होटल पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे जो है शूट स्टार्ट हो चुका है, इंशाल्लाह BTS आपके सामने होंगे। और इनका जो कमर्शियल बनाने का जो मेन पर्पज़ है ये है कि इन्होंने दम बुक लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आप एट अ टाइम यहाँ पे करोगे, अपनी मर्जी का जो है कट करवा सकते हो और अपनी मर्जी का सिलेक्ट करोगे, उस हिसाब से जो है उसको दम बुक को बनवा के और करवा सकते हो, ये एक अच्छी जो है ना मतलब। अच्छा
इसका रिवॉर्ड जो है वो आपके नाम है। अभी 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 एक और चीज़ आ रही है कम बुक, उसका जो है फिर आपको रिव्यू करके दिखाएंगे। और ये एक बाल होटल है यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पर हम आए और शूट जो है ना फाइनली कम्प्लीट हो जाए। सीन ये है कि शूट मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका था, अभी आया हम अपनी ईद की शॉपिंग करने एक्सपो सेंटर पे, एक्सपो स्टोर पे। सुना है कि यहाँ पे जो है बड़ी अच्छी वैरायटीज हैं, मुझे पहन लेनी थी एक, तो यहाँ पे आया हूँ। देखते हैं आप भी देखें क्या परचेज कर रहा हूँ, तो ये सीन है, उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। और पेंट की प्राइस है 3,500 रुपये, और सुना है कि भाई यहाँ पे 40% ऑफ है। ये सीन है, अब हो सकता है ब्लैक लूँ, हो सकता है ब्लू लूँ, और देखते हैं इनमें से कौन सी मेरी पसंद आ रही है। तो भैया ये पेंट पसंद आ रही है और इसको अभी ट्राई कर लेते हैं, और इसकी प्राइस है 4,000 लेकिन 40% ऑफ। फाइनली ये वाली जो पेंट ले ली है, काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये मेरे पास रही है 2400 की, तो ये सही। तो यार हालत हो गई फाइनली डाइट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को पूरा व्लॉग पसंद आया, व्लॉग होता है यही इंतजाम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन दिस इज आरिफ लोजान, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।